वो ना करिएगा तो सर वो उसकी लगा के खाना पी लिया हूँ आज वाले। अच्छा ठीक चलिए मैं आप बताता हूँ आपको। लेट अस स्टार्ट विद अनदर लेक्चर ऑफ यूनिट 4 दैट इज ह्यूमन इंजीनियरिंग। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन व्हाट वाज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग एंड द डिफरेंट डेफिनेशंस अवेलेबल, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग एंड टुडे वी विल आल्सो सी व्हाट इज एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स एंड इट्स डिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस रादर। ये कैसे वर्क करते हैं, पिछले क्लास का मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग या ह्यूमन इंजीनियरिंग, इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट और हाउ दैट अरेंजमेंट शुड बी मेड, यू नो व्हाई वी आर यू नो वर्किंग ऑन दिस अरेंजमेंट इज टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी, टू स्टडी the respective design of the component or a machine which we are going to use. Now why we are concentrating on particular design of a machine? See, there are many factors while designing any machine or a component. When you are designing a component, you will see the functional design part of that component ki usko operate kaisa karna, usko work kaisa karna, uski efficiency kaisi hai, ये सारे फैक्टर्स उसमें लगते हैं। और अनदर थिंग इज अनदर डिजाइन इज एस्थेटिक डिजाइन, वो बनने के बाद कैसा लगेगा, उसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी, कैसा लुक आना चाहिए, कैसा कलर आना चाहिए, ये सब होता है। लेकिन इन बिटवीन एक चीज और भी आती है व्हेन यू आर वर्किंग ऑन यू नो फंक्शनल डिजाइन। तो आप खुद सोच के देखो, एक चेयर है आपके घर में, आपके घर में जो चेयर होती है पुराने जमाने में लकड़ी की चेयर जो बनती थी, तो वो चेयर अगर मैं कार के अंदर रख दूं तो आप बैठ के ड्राइव तो कर पाओगे, लेकिन क्या कार के लिए वो फिजिबल रहेगी? चेयर तो चेयर है, चेयर पे बैठना है आपको और बैठकर काम करना है, गाड़ी चलाना है या जो भी आपको काम करना है, बट इज दैट चेयर रियली अ रिक्वायर्ड वन? क्या उसकी डिजाइन, क्या उसका कंफर्ट वैसा ही है जैसा हमको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए चाहिए? फॉर अ स्टडी चेयर इट शुड बी फ्लैट एंड साउंड, वो फ्लैट हो अच्छा है, नींद नहीं आती। लेकिन एक जरूरत से ज्यादा फ्लैटनेस से जो लोअर बैक बॉडी है उसकी ब्लड की सप्लाई खत्म होने के चांस बढ़ते हैं, तो थोड़ा कुशन होना चाहिए। एक जरूरत से ज्यादा कुशन आएगा तो वहां नींद आ जाएगी, या एकदम फ्लैट रहेगा, चपटा रहेगा, कोई कुशन नहीं है, बिल्कुल भी जीरो कुशन है, तो अगेन ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होती है बॉडी में। तो जो चेयर हमारे दादाजी यूज करते थे या जो चेयर हम डाइनिंग टेबल्स में यूज करते हैं या फॉर एनी अदर पर्पसेस इफ वी आर यूजिंग दोस चेयर्स, वी कैन नॉट यूज इन ऑटोमोबाइल्स। सो दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। इन बिटवीन फंक्शनल डिजाइन एंड एस्थेटिक डिजाइन, दिस एर्गोनॉमिक डिजाइन कम्स इनटू पिक्चर। नाउ हाउ इट कम्स इनटू पिक्चर, यू नो वी हैव टू डिजाइन दैट मशीन और अ कंपोनेंट because it is an interface between the two, which two interface between the that system and the end user, hai na? Aapne ATM machines bhi dekhi hai, hai na? ATM machines aur operator mane jo apna ATM se apne paise nikal raha hai ya koi bhi aur functions bhi kar raha hai, aajkal aur functions bhi applicable hote hain, theek hai? If that operator end user को कोई चीज पता ही नहीं है या उसके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो उसके पैसे कैसे निकालेगा? So interface, that interface should be as easy as possible, so even a illiterate person can understand what is there or not, how to operate. ये एक illiterate person को भी समझ में आना चाहिए, तो इसका interface इतना आसान होना चाहिए
it is not all about a literacy level of a person to, you know, operate that system. It is between system and the user, and that interface should be efficient one, and the efficiency of this interface will give you the productivity, and more the productivity comes out, that is the sole purpose of the total study here, which we are going to study or which we are studying. Now for that we need to increase the interaction system or interaction phases between the user and the system to keep our system updated and increase the effectiveness of the system. अब आप सिंपल देखो, बड़ा आसान होता है. मैंने आपको कल भी एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारे पास जब लग्जरी व्हीकल्स में हम होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो रोड पे चलते हैं तो हम लोगों को लगता है बड़ी गाड़ी वाला बहुत तेजी से गया, लेकिन वो व्हीकल्स जो होते हैं लाइक बुलेरो, स्कॉर्पियो या बहुत ही लग्जरी गाड़ियां 8-8, 10-10 लाख वाली, देयर यू वोंट इवन फील कि 60-70 की स्पीड कुछ लगती नहीं. वहां पे 80-90 पे 100 पे जब तक न जाए आदमी मजा नहीं आता, मतलब तब लगता है कि कुछ एफर्ट हमारी तरफ से लग रहा है गाड़ी चलाने में. 60-70 पे तो कुछ एफर्ट ही नहीं होता, बिल्कुल एफर्टलेस चलती है गाड़ी. तो ये उस गाड़ी का लेवल है, द काइंड ऑफ एन इंटरफेस जो मिला है वहां पर हमें, वो उस गाड़ी का इंटरफेस है, ऐसा ऐसी एर्गोनॉमिक डिजाइन है, ऐसी फंक्शनैलिटी है उसकी. लेकिन व्हेन योर व्हीकल कम्स एट 90 और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आती है, देन चांस ऑफ एन एक्सीडेंट इंक्रीजेस, ऑटोमेटिकली चांस ऑफ द एक्सीडेंट इंक्रीजेस. व्हाई इट हैपेंस, कैन हैपन बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस. यू कैनॉट अलाउ योर, you know, you cannot allow your attention to take off either from steering or from the main window screen. जो जो जिस कांच से आप देख रहे हो वहां से आप अपना ध्यान नहीं हटा सकते. ज्यादा से ज्यादा आप अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टेयरिंग तक ला सकते हो, वो भी नजर नीचे किए बिना, क्योंकि इस एंड पे जब आप इस हाई स्पीड पे हो तो आपकी गाड़ी थोड़े से फ्रैक्शन में भी कहीं भी डिफ्लेक्शन मारेगी, दूसरी तरफ निकल जाएगी और आपका या दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो सकता है. फॉर दैट रीजन जो विंडो स्क्रीन ग्लासेस है, ब्लूटूथ है, एफएम रेडियो है, कॉल रिसीविंग बटन्स हैं, वो सारे के सारे एसी बटन्स हैं, वो सारे के सारे बटन्स या कंट्रोल्स हाई एंड या लग्जरी एंड वाली कार्स में आपको स्टेयरिंग में ही फिट करके दिए जाते हैं, एंड विद सम प्रैक्टिस विदाउट अपनी नजर को बिना इवन स्टेयरिंग तक ले जाए आपको पता होता है कौन सी चीज कहाँ है. द सेम हैज हैपेंड विद योर एबीसी, एक्सेलरेटर, क्लच एंड ब्रेक, तीन होते हैं वो जो लीवर, जो फुट पैडल्स हैं वो तीन होते हैं, लेकिन पैर तो आपके पास दो ही हैं. लेकिन इवन देन द वन हु ड्राइव्स नोज कि मेरे को कौन सा पैर कब उठाना है. नॉर्मली क्लच के लिए हमारा एक पैर इंगेज होता है, हम जो राइट लेग होता है नॉर्मली उसको ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच में मूव कराते रहते हैं, और क्लच वाला जो पैर है हमारा, वेदर इट इज अनक्लच्ड एट दैट टाइम, आई मीन नॉट एंगेज्ड एट दैट टाइम, क्लच इज व्हाट इट इंगेजेस और डिसएंगेजेस द गियर, है ना. जब हमको गियर चेंज करना होता है तो वी नीड दैट एंगेज, फिर गियर चेंज हुआ, फिर जब छोड़ेंगे तो इट विल डिसएंगेज और उस पर्टिकुलर गियर पे ही स्पीड बढ़ती है. सो दिस हैपेंस मैकेनिकली इनसाइड द इंजन. तो उस समय हम जब ये कर रहे होते हैं, तो फुट पैडल्स तो तीन होते हैं, लेकिन एक मिनट चल रही है, प्लीज ठीक है. एनीवेज, तो उस समय हमारे पास तो फुट पैडल तीन ही होते हैं, लेकिन हम हमारे पास पैर हैं दो, लेकिन विद लिटिल प्रैक्टिस हमको पता पड़ जाता है कि कौन सा क्लच या ब्रेक या एक्सेलरेटर कहाँ कब हमको लगाना है, विदाउट लुकिंग इनटू इट
कि हमारा पैर सही जा रहा है कि नहीं। सिमिलरली जो स्टेयरिंग में सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं सम विथ लिटिल प्रैक्टिस हमें हमेशा पता रहता है कि स्टेयरिंग में राइट हैंड वाले अंगूठे से हम क्या दबा लेंगे और लेफ्ट हैंड वाले अंगूठे से क्या दबा लेंगे, हॉर्न कैसे दबाना है। अर्लियर वी यूज्ड टू हैव हॉर्न एट द सेंटर। आपने पुरानी स्टेयरिंग की डिजाइंस देखी होंगी तो हमारे पास एक सेंटर में एक छोटा सा सर्कल बल्ज आउट होता था जहां हॉर्न होती थी, माने स्टेयरिंग से आपको दो हाथ में से एक हाथ छोड़कर बीच का जो बल्ज है उसको प्रेस करना पड़ता था, देन एंड ओनली देन यू कैन ऑपरेट दैट हॉर्न, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जो आपकी स्टेयरिंग है उसमें जो बीच का मैक्सिमम हिस्सा है वो आपका हॉर्न में आ गया है। सो स्टेयरिंग पे हाथ रखते हुए भी आप दोनों हाथों के अंगूठे से जो हॉर्न है उसको अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली मेनी अदर कंट्रोल्स एट लग्जरी एंड ऑटोमोबाइल्स हैज अपीयर्ड नाउअडेज। सो देयर आर मेनी इंडिकेटर्स ऑन द स्क्रीन ओनली। जब आप गाड़ी चालू करते हो तभी आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स वहां दिख जाते हैं, वहां पता पड़ जाते हैं कि अगर ऑयल नहीं है, अगर कुछ सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया या आपकी की छूट गई गाड़ी में, तो डोर बंद करने से पहले तक आपकी गाड़ी जब की छूट जाती है तो वो इंजन बंद होने के बाद तो वो विसल करती है, वो सायरन करती है कि आप अपनी की निकालो, बिकॉज वंस इट इज लॉक्ड आप फिर उस की को निकालना आपके लिए मुश्किल होता है। सो दीज आर सम ergonomic factors which we have discussed earlier also. Okay. Now we have not discussed yet what comes under that. The human factor normally consider the four steps, like first one is arrangement of control and displays. Okay, next one is like the physical environment. Okay, the third one is health issues and the fourth one is use of colors. So these are the basic factors which one has to look into while designing in particular interface between system and the end user. So the first one is our arrangement of controls and displays. The first one is arrangement of controls and displays, second one is physical environment, third one is health issues, and fourth one was the use of color. The first one is arrangement of control and displays. So you have seen what exactly control and displays require. आपने वीडियो गेम खेला होगा और मेरे टाइम पे मारियो वीडियो गेम होता था, तो मारियो वीडियो गेम होता था तो हम लोगों को बहुत मजा आता था। हम लोग पढ़ने के लिए भले ही दो घंटे बैठते थे लेकिन वीडियो गेम खेलना हो तो हम चार चार घंटे छह छह घंटे लगातार खेल सकते हैं। Why? क्योंकि जो बुक होती है उसमें डिस्प्ले में क्या होता है, बहुत कम फोटोग्राफ्स और ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स होती हैं। So it's not that interesting, but the way video games has designed the use of in color, Mario wo aag chhod raha hai dragon to wo yellow color ki hai, wo usko lag gayi to wo red ho gaya, to usko jo blood level hai wo reduce ho gaya, wo sara screen pe aapko dikhta hai. So the presentation or the controls jo remote hai apne paas, pehle wire wale remote aate the, ab wireless wale remotes aate hain, है ना, अब तो 3D और 5D और 7D इमेजिनेशन लेवल भी आ गए हैं। सो द मोर यू वर्क ऑन द इंटरफेस बिटवीन द यू नो सिस्टम एंड द एंड यूजर, द मोर इट विल बी इंटरेस्टिंग, द मोर इट विल बी लाइक यू विल स्टिक टू द सिस्टम एंड वर्क फॉर लॉन्ग विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज व्हेन यू वर्क ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। वैसे आपको डिस्ट्रक्शन अफेक्ट नहीं करते, व्हेन यू स्टडी ऑटोमेटिकली कहीं डॉगी के भौंकने की आवाज, कहीं गाड़ी की आवाज, ये सब सुनाई देने लगते हैं।
सिमिलर जब आप प्रेयर करने लगते हो भगवान को तब भी ये आते हैं। तो मतलब अच्छे काम करने में डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, तो अच्छे कामों के इंटरफेस को भी क्यों ना ऐसा डिजाइन किया जाए कि चीजें आसान हो। तो यहाँ यही है कि बिना डिस्ट्रैक्शन के सामने वाला बढ़िया तरीके से काम कर पाए, उसके पास इजी एक्सेस हो। इजी एक्सेस हो, इजी एक्सेस कैसे होगा? इजी एक्सेस होगा, से योर फोन हैज, योर फोन इज अ गुड सिस्टम एंड इट हैज नाउ यू नो grown up to level where you can say we have excellent interface between the system and the user. We have a number of apps with us. And what you used to do, if you are not doing, you should do. आपको एक folder बना लेना चाहिए, जैसे Google के जो apps हैं, वो सारे एक में हो, और Microsoft के जो apps हैं, वो सारे एक folder में हो, या आपको आप करते भी हो कई बार पिक्चर्स हैं तो आपने पिक्चर्स लिख दिया और उसमें हर तरह की पिक्चर्स डाल दी अंदर, या उसमें फिर उसमें भी आपने सब फोल्डर बना लिए, फैमिली पिक्चर्स अलग, फ्रेंड पिक्चर्स अलग, कॉलेज पिक्चर्स अलग। तो दिस इज बेसिकली डिजाइन ऑफ एन इंटरफेस वेयर यू कैन यू नो एक्सेस द थिंग्स विद इन नो टाइम। आई मीन यू नीड नॉट टू सर्च कि यार इन सारी फोटोज में मेरी कॉलेज की फोटो कहाँ होगी, जो कॉलेज के फोल्डर में होगी। और कॉलेज के फोल्डर में भी यदि आपने कोई फोल्डर बना रखा है या उसका शॉर्टकट की अगर डेस्कटॉप पे रखा है तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। दिस इज बेसिकली अ डिजाइनिंग ऑफ एन इंटरफेस, है ना। मेरे डेस्कटॉप पे मैंने कहां कहां कौन कौन से, बेसिकली डेस्कटॉप पे जो रखना चाहिए वो शॉर्टकट्स ही रखने चाहिए, क्योंकि द वन द थिंग्स आई हैव सेपरेटेड इनसाइड द फोल्डर्स हैज टू हैव अ शॉर्टकट ऑन माय डेस्कटॉप, क्योंकि वो ही एक पैनल है विच इज डायरेक्टली विजिबल टू मी, और वहां से अगर मैं उसको डायरेक्ट ऑपरेट कर पाऊं तो थिंग्स विल बी वेरी इजी विद इन नो टाइम आई कैन सर्च दैट थिंग एंड ऑपरेट दैट थिंग, है ना। ऑपरेट करना यहाँ क्या है, चीजों को ढूंढना, ठीक है। अपन करते भी है और होता भी है। लाइक आप अपने लैपटॉप की या डेस्कटॉप की कीबोर्ड को ही देख लो, वी हैव न्यूमेरिकल कीज, separate section of numerical keys on the right side of the keyboard also. जो keyboard बहुत छोटे होते हैं उनमें वो section नहीं होता, but normally right hand side पे आपको पूरा 1, 2, 3, 2, 9 मिलता है, और mathematical पूरा जो division है, I should say rather, कि वो right hand side पे आपको मिल जाता है। Then arrow keys का गुच्छा, चारों की arrow keys एक जगह ही मिलती हैं, क्योंकि आपके हाथ को आदत हो जाएगी कि arrow keys मुझे यही मिलती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एरो की लेफ्ट में है, एक राइट में है, एक सेंटर में है, एक कहीं और है, ये कभी नहीं होता। तो ये इंटरफेसेस को क्रिएट करने ही जैसी सिचुएशन होती है। आपके पास एंटर न्यूमेरिक कीज में भी होता है और अल्फाबेट में भी होता है, तो ताकि आपको अननेसेसरी अपने हाथों को स्ट्रेच न करना पड़े। एंड इफ effectiveness increases, the applicability increases, जितना ज्यादा आप apply कर पा रहे हो उतनी ज्यादा आपको productivity मिलती है, because ये छोटा छोटा time जो waste नहीं होता है, it will save a big time and it will save the interest of the operator also. This will remain that operator engaged for long without wastage of time and without wastage of interest. क्योंकि आपने वीडियो गेम्स में और इन सब में देखा होगा कि बिना इसके इंटरेस्ट खोए आसपास कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो बंदा अपना ध्यान नहीं भटकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी हमको नहीं मिलेगी अगर ऑपरेटर को आसानी नहीं हुई या उसका इंटरेस्ट हमने बनाए नहीं रखा। तो द सेम थिंग हैपेंस इन अवर इंडस्ट्रियल मशीन्स ऑल्सो, उसमें सीएनसी मशीन्स हैं, एनसी मशीन्स हैं, डीएनसी मशीन्स हैं, जो पहले आती थी, आजकल फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं। लेकिन वंस यू हैव टू यू नो फिक्स द जॉब, द प्रोग्राम, जो बेसिक टेम्पलेट है जिसको आपको फॉलो करना है, जो प्रोटोकॉल है, आपको कूलेंट भी चेक करना है, आपको पाइप भी चेक करना है, एवरीथिंग यू नीड टू चेक, पूरे प्रॉपर सॉकेट्स आपको चेक करने हैं सारे। दूसरा उसके अलावा जो है वो वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट इज द यू नो इट्स काइंड्स ऑफ स्पेस वेयर यू नो यूजर वर्क ओवर द सिस्टम। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम वर्क स्पेस भी कहते हैं। और ये वर्क स्पेस जो होता है
यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ये वर्क स्पेस. वर्क स्पेस में माना इफ अ मेल इज वर्किंग ही कैन वर्क, इफ अ फीमेल इज वर्किंग शी कैन ऑल्सो वर्क, और अलग अलग फिजिकल जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट में ज्यादा हैं, बड़े हैं, कम हैं, वो सारे उसको अडाप्ट कर पाने चाहिए, है ना. ठीक है, तो और उसमें तो हमने ये देखा, और किस पोस्चर में हमको वहां रहना है, किस पोस्चर में हमको वहां रहना है, दैट हैज टू बी यू नो दैट इज कमिंग अंडर फिजिकल एनवायरमेंट. फिजिकल एनवायरमेंट दैट वो मशीन जो है, वो सिस्टम जो है, उसको कैसे यूज करना है, खड़े होके करना है, बैठ के करना है, या बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, या हमको कंटिन्यूस चलते रहना है वहां पर. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, वन हैज टू सी. अनदर थिंग इज, जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था, तो वो दादाजी वाली चेयर अगर सिटिंग वर्क है, उस मशीन को सिट करके ऑपरेट करना है, तो वी कैन नॉट पुट अ दादाजी वाली चेयर इंस्टीड ऑफ एर्गोनॉमिकली डिजाइन चेयर, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी होती हैं. वी हैव टू डिजाइन द चेयर. उस चेयर में हाइट एडजस्टमेंट भी होना चाहिए, रिवॉल्विंग भी होनी चाहिए. हाइट एडजस्टमेंट लिए अगेन मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी हाइट अलग हो सकती है. सो एक्चुअली क्या मेन पर्पज क्या होता है, जो आउट साइड हाइट होती है दैट शुड बी ऑन द टर्मिनल डायरेक्टली. वो आपको टर्मिनल को और जो कंट्रोल्स हैं डिस्प्ले के, वो आपके सफिशियंटली नीचे होने चाहिए, या एटलीस्ट जो स्क्रीन है वो आपकी आई साइड पे होनी चाहिए. टू डू दैट मच एडजस्टमेंट वी शुड हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिजाइंड चेयर. ओके, कि वो उसकी स्क्रीन को हम आई लेवल पे ला सके. नाउ कम्स द हेल्थ इश्यूज. हेल्थ इश्यूज में ये होता है कि जैसे हमारी चेयर डिजाइंड नहीं है और हमारी स्क्रीन जो है वो आई साइड पे नहीं है, फॉर एन आवर और सो हम लोग एक दो घंटे के लिए ऊंची गर्दन करके बैठ सकते हैं, बट वी कैन नॉट सिट इट फॉर 8 hours विद सेम प्रोडक्टिविटी आउटपुट. और हम अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो वी विल बी हैविंग अ लॉट मेनी इंजरीज इन आवर नेक, इट कैन हैपन, और एट आवर बैक जो स्पाइन है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. So this way we cannot keep on working for long with same productivity or health issues आएंगे. Another thing is like eyesight, जो वहाँ जो brightness है light की, by the time वो भी उतनी नहीं होनी चाहिए कि आंखों को flash करे, और उतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि आंखों को बहुत जोर लगाना पड़े. दोनों ही केसेस में आई स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, वो नहीं होना चाहिए, और इट शुड बी ऑप्टिमम. और ऑप्टिमम भी कैसा हो, अगर सिस्टम इटसेल्फ अंडरस्टैंड कि क्या किस कंडीशन में, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में होता है, हम ऑटोमेटिक मोड पे छोड़ देते हैं, मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक मोड रहते हैं. ऑटोमेटिक मोड पे भी अगर हम छोड़ देंगे तो कितनी डार्कनेस है उस हिसाब से जो सिस्टम की ब्राइटनेस है या सराउंडिंग की ब्राइटनेस है वो भी चेंज हो जाती है. नाउडेज यू हैव सीन मेनी एडवर्टीजमेंट लाइक विप्रो में आती हैं, एलेक्सा टर्न ऑन द ट्यूबलाइट, एलेक्सा टर्न ऑन द हॉल फैन, एलेक्सा डू दैट, एलेक्सा डू दैट. सो दिस एलेक्सा इज नथिंग बट एर्गोनॉमिक स्टडी एंड ऑटोमेशन इन द इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज. सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज doesn't you know require to disturb our concentrations over a period of time. अगर मैं आया हूँ घर में और तुरंत मुझे कुछ काम दिमाग में आया है और मैं वो करने लगा हूँ, तो by the time I can order someone to switch on the phone, switch on the tube light, switch on the fan, और उसको regulate करने के लिए मुझे बार बार उठने की जरूरत नहीं है. I can order that thing by sitting at my place itself. So it happens. So these are the things which you know nowadays are coming in ergonomics, है ना. और now the here comes the use of the color. Okay, so use of the color is pretty important. अच्छा, दूसरी चीज health issues में noise भी एक factor है. As I told you, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारा noise आता है,
और स्पेशली हमने ये फील किया होगा जब हम 10th और 12th के एग्जाम देते थे, तो या जब भी हम एग्जाम देते हैं 1SQ प्रैक्टिस की, ऐसे वाले साउंड प्रूफ रूम में जाके बैठूं जहां डिस्टरबेंस ना हो, और अगर होता भी है तो कान में उंगलियां फंसा के रखते हैं ताकि कोई आवाज ना आए और मैं अपनी चीज को अच्छे से याद कर पाऊं। तो ये चीज हमने प्रैक्टिकली देखी है स्टूडेंट लेवल पे और हम सभी ने देखी है इनफैक्ट, और इंडस्ट्रीज में ये चीज काफी ज्यादा रहती है जिसके कारण ईयर ट्रबल्स कई बार रहते हैं, और इसका इफेक्ट हमने देखा है जो इंडस्ट्रीज में शॉप फ्लोर पे काम करते हैं उनका ऊंचा बोलना और ऊंचा सुनना, ये इफेक्ट वहां आ जाता है। सो नॉर्मली हम अच्छे इंडस्ट्रीज की प्रैक्टिस देखें तो दे गिव हेडफोन टाइप की चीज देते हैं जिसको जिससे नॉइस लेवल उनके ईयर्स की को अफेक्ट नहीं करता, और जब अफेक्ट नहीं करता तो मेनी ऑफ द टाइम्स जो उनका इस नॉइस के कारण डिस्ट्रैक्शन होता है वर्क से वो भी नहीं हिलता, बिकॉज अ लिटिल यू नो एंट्री में कोई छोटी सी गड़बड़ भी बड़ी मुसीबत क्रिएट कर सकती है, एक बड़ा जॉब पीस खराब कर सकती है, और हो सकता है कि उस ऑपरेटर को ही मशीन कुछ ऐसा एक्ट कर जाए उसके कारण कि उस ऑपरेटर को ही नुकसान हो, तो मेनी थिंग्स कुड हैपन अगर उनका कंसंट्रेशन लॉस होता है। तो दूसरा है सिलेक्शन ऑफ कलर्स, तो सिलेक्शन ऑफ कलर्स में ऐसे भी कलर नहीं हो, हमने कई बार कलर्स देखे हैं जो बिल्कुल ब्राइट होते हैं, जो बिल्कुल चुभते हैं, और कुछ कलर्स हमने देखे हैं जो हमको ऑब्जर्वेशन से फील होता है बड़े सूदिंग कलर है, इन कलर्स को तो देखकर ऐसा लगता है मानो देखते ही रहो, तो ऐसे कलर्स हमको रहने चाहिए। नॉर्मली वी हैव सीन रेड कलर शोज द डेंजर एंड यू नो येलो या ऑरेंज कलर शोज द अटेंशन, नाउ इट्स टाइम टू एक्ट अपॉन, क्या करना है, एंड ग्रीन कलर नॉर्मली सिस्टम शोज दैट यू योर सिस्टम इज इन सेफ मोड। ओके, नॉर्मली वी हैव सीन इन आवर बैटरी की सफिशियंट, अगर बैटरी होती है 90% 80% तो इट शोज ग्रीन कलर, अगर 40% के आसपास आती है तो इट गिव्स यू द अटेंशन दैट इट नीड्स अ चार्ज बाय शोइंग इट ऑरेंज, और समटाइम्स वी फिक्स लाइक 10% या 20% अगर बैटरी है तो इट शोज लाइक रेड कि अब बहुत ही ज्यादा लो हो गया है, एनी टाइम विद इन हाफ एन आवर और वन आवर योर सिस्टम में गो ऑफ, योर मोबाइल फोन विल गो ऑफ। अच्छा, दूसरी चीज जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है उसमें इफ द ऑपरेटर हैज द सिटिंग वर्क ऑल द टाइम तो उसमें उतना स्पेस थोड़ा सा होना चाहिए कि 2 मिनट के लिए थोड़ा सा वॉक करके वापस आ सके, इफ ही और शी कैन स्पेयर द वर्क फॉर अ टाइम बीइंग, ताकि उसकी बैक को प्रॉपर रेस्ट मिले, थोड़ा सा वॉक कर लिया 2 मिनट फिर वापस बैठ गए। नाउ दिस वर्क स्पेस हैज दिस मच डिजाइन कि उसमें ये सारी चीजें हो। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग and today we have taken these things a little ahead. Now we'll see what is ergonomics is all about in our next coming lecture and it's such a multidisciplinary act, so it has certain points to discuss like engineering, physiology, anatomy, physiology, industrial hygiene, and many of the things we will study in detail, how it helps in increasing the productivity and thereby the correlation of all the factors with the productivity. So this will be the topic, ergonomics, productivity and work environment, how they are related. We will discuss upon the points also and we'll see the historical background as well. Hope you have understood this topic and we'll cover it in detail in the next lectures as well. If you have any doubt, you can ask me now or even later. We have 1 minute to go. If you have any doubt, you can definitely ask me now or even in the next class. Okay, thank you. We'll meet in next class. Thank you, sir.